ये तस्वीरें स्पार्क 2023 समारोह की है। ये कार्यक्रम राज्य सहकारी बैंक की तरफ से आयोजित किया गया है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। दोनों ही खास मेहमानों ने प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए सहकारी बैंक के सहयोग की सराहना की और बैंकों के उत्थान के लिए सरकार के सहयोग का भरोसा दिलाया। सहकारिता का नाम है भरोसा, सहकारिता का नाम है सहयोग, सहकारिता का नाम है भागीदारी। इन बैंकों ने, ये बैंक जो है हिमाचल प्रदेश के आर्थिक आधार का हमारी रीढ़ है। मैंने कहा आप एनपीए कम कर लीजिए, लेकिन आपको, आपके बैंक को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज आपका मुकाबला प्राइवेट बैंक से है और सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने में भी सरकारी बैंकों की बड़ी भूमिका है। सरकार इन बैंकों के जरिए उन क्षेत्रों में पहुंचती है जहां लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है और उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना जरूरी है। ऐसे ही एक प्राथमिकता है युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की, जिसके लिए सरकार बैंकों के साथ मिलकर काम कर रही है। कि जो हमारी योजनाएं हैं उसमें सरकार एक सोवरन गारंटी दे और हमारी योजनाओं को अमली जामा हमारा अपना कोऑपरेटिव बैंक और सहयोगी बैंक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। योजनाएं हमारी है कि हिमाचल प्रदेश का युवा स्वरोजगार की तरफ जाए। अब स्वरोजगार की तरफ कैसे जाएगा? हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, वो कैसे मजबूत हो, इस दिशा में हमारी सरकार ने सोचना शुरू किया और मुझे खुशी है कि हमारी योजना सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री ने बैंकिंग प्रणाली को और आसान बनाने के लिए बैंकों के डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बैंकों को लैस करना पड़ेगा। हमें डिजिटल में आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर वन स्थान पर बना हुआ है, लेकिन अपने बैंक को हम अगर आज इंटरनेट से जोड़ रहे हैं और इसमें हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। डिजिटल में जब हम इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, आपको उस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा और 5G टेक्नोलॉजी के साथ अपने बैंक को, जो हमारे प्राइवेट बैंक है, उन चुनौतियों के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वहीं सहकारी बैंक की तरफ से सरकार के ग्रीन स्टेट विजन को पूरा करने के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाया गया है। बैंक की तरफ से प्रदेश के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसों के लिए मदद दी गई है। इस बड़े सहयोग के बाद मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि अगले 3 सालों में प्रदेश के सभी बसों को इलेक्ट्रिक किया जाएगा। जब किसी की, और मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे जो ग्रीन स्टेट के सपने के हैं उसको पूरा करने के लिए 300 जो इलेक्ट्रिकल बसेस है उनको देने का आपने वादा किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपने मुझे गवर्नमेंट को दिया। 3 साल में हिमाचल प्रदेश में सभी बसेस को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं, ये सब जानकारी बैंक से संबंधित नहीं है लेकिन बैंक से रिलेटेड है। आपके बैंक को ये बताना चाह रहे हैं कि आपको हम इसलिए तैयार कर रहे हैं जितने भी ब्रांचेज, कि आपको इन योजनाओं में धन देने के लिए तैयार रहना है, इसलिए भी हम ये बात आपके ध्यान में रखना चाह रहे हैं। और आपको बहुत ज़्यादा हमारी सरकार आने वाले समय में परिवर्तन के दौर से विभाग भी गुजर रहे हैं, ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, हिम परिवार एक आधार की तरह हम हिमाचल के लोगों के लिए एक यूनिक आईडी लेकर आ रहे हैं, उसकी काम चल रहा है। जुलाई में हमने टारगेट दिया है, आप देखेंगे हिमाचल जिसको पिछड़ा हुआ प्रदेश कहा जाता था, भविष्य में ये हिंदुस्तान की राह का सबसे अग्रणी प्रदेश होगा। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। सहकारी बैंकों की भूमिका ग्रामीण अंचल के विकास में अहम है।
इसलिए सरकार भी इनके सहयोग से लोगों तक योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।